लेकिन गाइस ये हो रहे हैं बेक, बहुत यम्मी लग रहे हैं। सारे कुकीज बनाए, तो ये है मेरे मेजरिंग कप्स, ये मेरा फ्लावर, मेरे कुकीज, एग, आइसक्रीम स्कूप, स्पैचुला, विस्क, वनीला एक्सट्रैक्ट, शुगर, ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा एंड बटर। पहले डालना है हाफ कप शुगर, 3/4 कप ब्राउन शुगर, अब डालना है 1 teaspoon सॉल्ट, अब डालना है 1/2 cup बटर, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आप लोग ने एग डालना है, अब आपने डालना है 1 teaspoon वनीला एक्सट्रैक्ट, अब ये 1 cup एंड 1/4 cup ऑफ फ्लावर विद 1 teaspoon बेकिंग सोडा। देखा आपने ऐसे स्ट्रेन करना है, तो ये आपके फाइन पाउडर हो जाएगा। लेकिन गाइस ये आपने ऐसे ऐसे इसको स्ट्रेन करना है। ओके गाइस मैंने सारा स्ट्रेन करनी है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी, आपने इसको फोल्ड करना, आपने इसको मिक्स नहीं करना। यस ये हो गया, ये मैंने इसमें चॉकलेट चंक्स डाल के फ्रिज में रख दिए थे 10-15 मिनट्स के लिए। अब आपने इनको स्कूप करके पैन में लगाना है। ओके अब मैंने आइसक्रीम स्कूप से कर लिया, अब मैंने इनके ऊपर चॉकलेट चंक्स लगाऊंगी, दो दो ऐसे और ऐसे। अब इनको आपने 180 फ़ारेनहाइट और 10 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेकिन गाइस ये हो रहे हैं बेक, बहुत यम्मी लग रहे हैं। ये अब मैं नानों को देने जा रही हूँ, देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसे उनको लगते हैं। चलो खाओ, चलो खाएं जी, गरम होगा थोड़ा, खाओ शॉट, ठंडे हो जाने दो। फाजा से खाया नहीं जा रहा क्योंकि उसके दांत, हम दांत एक दिन दांत टूट ऐसे हो जाते, दर्द हो रहा है। कैसे हैं दिखाएं?